हाय एवरीबॉडी, मैं हूं अनूप खान। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रीमियम था जो किया करें, इसका जो प्रीमियम वेरिएंट आता है इनकी बेस वेरिएंट, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। तो इस वीडियो में बात करेंगे प्रीमियम से एक ऊपर का जो वेरिएंट आता है प्रेस्टीज। ये गाड़ी आपको तीनों इंजन के ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। 1.4 लीटर का टर्बो भी मिल जाएगा, 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। इस वेरिएंट के अंदर आपको तीनों इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि बेस वेरिएंट से ही आपको तीनों इंजन अवेलेबल, चाहे जो उनसे इंजन को परचेज कर सकते हो। प्राइसिंग अभी लीक नहीं हुए, उससे पहले मैं आपको इसका जो ब्रोशर है वो लीक हो चुका है, तो फीचर के बारे में बात करने वाले कौन कौन से आपको फीचर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो जो बेस वेरिएंट के फीचर है उनको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसकी वजह से वीडियो जो लेंदी हो जाएगी। मैं वही वेरिएंट बताऊंगा, उन्हीं फीचरों को बताऊंगा जो इस वेरिएंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे बेस वेरिएंट से। यदि आपने बेस वेरिएंट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका आई बटन में लिंक आ जाएगा, वहां से चेकआउट करके पहले आप इस वीडियो को देखना, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देख लेना। बात करूँ उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आप कौन कौन से फीचर मिलेंगे, सबसे पहले इसका जो इंटीरियर है उसकी जो थीम है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इलाइट टू टोन ब्लैक एंड बीइंग इंटीरियर, इस थीम पर आपको इसका इंटीरियर उसको बनाया गया है। डार्क मेटल पेंट डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, प्रीमियम फैब्रिक एंड लेदर सीट, यानी कि फैब्रिक और लेदर सीट का कॉम्बिनेशन बना के इनकी सीटों को बनाया गया है। इंटीग्रेटर रूफ रेल्स, यानी कि बेस वेरिएंट के अंदर आपको रूफ रेल्स नहीं आती हैं, वो इस वेरिएंट के अंदर आपको ऐड हो जाती हैं। बाकी सार फिन एंटीना भी आपको देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर, बेस वेरिएंट के अंदर आपको सार फिन एंटीना नहीं मिलता है। बाकी आपको रियर व्यू कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ में आपको भी देखने को मिल जाता है। बेस वेरिएंट के अंदर आपको कोई कैमरा फंक्शन नहीं दिया जाए। कीलेस एंट्री विद जो अलार्म बजता है ना उसके साथ आपको देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर, जो आपके मिरर है उनको इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो, इस वेरिएंट में भी आप फोल्ड तो नहीं कर सकते। टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको, इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो भी आपको ओआरवीएम पर मिल जाएगी, बेस वेरिएंट के अंदर आपको वो फेंडर पर दी गई है। ड्राइवर जो विंडो है आपकी वन टच मिल जाती है अप एंड डाउन दोनों के लिए। बाकी आपको कंसोल लैंप है उसके अंदर भी आपको बल्ब है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन एलईडी नहीं मिलेगा। सनग्लास होल्डर भी इस वेरिएंट से आता है, बेस वेरिएंट के अंदर आपको कोई सनग्लास होल्डर भी नहीं मिलेगा। इस वेरिएंट से आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले को भी सपोर्ट करता है। 12.5 इंच की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। स्ट्रिंग माउंटेड कंट्रोल भी इस वेरिएंट के अंदर आपको ऐड कर दिए जाते हैं और 6 स्पीकर आते हैं ब्लूटूथ वॉइस और रिकॉग्निशन कंट्रोल के साथ में। तो इस वेरिएंट के अंदर आपको मैंने लगभग कंप्लीट जानकारी दे दी है, अब तब भी इसकी प्राइसिंग आएगी तो मैं इस वेरिएंट को XUV700 के X3 वेरिएंट से कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा कि आपको कौन कौन से वेरिएंट में क्या क्या मिलता है और आपको कौन से वेरिएंट को परचेज करना चाहिए ये भी बता दूंगा, तो बहुत ही जल्दी इसकी प्राइस भी आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।